अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं यासिर अली और आप देख रहे हैं चाचा असलम यूट्यूब चैनल। अभी आपको बताते चले कि पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच अभी हुआ है कुछ देर पहले। इंग्लैंड ने 199 रन का स्कोर किया, लेकिन पाकिस्तान ने बड़ी आसानी से उसको अचीव किया, जहां पर कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने 200 रन का टारगेट बड़ी आसानी से अचीव किया। ये बहुत बड़ी बात थी, लोग समझ रहे थे ये स्कोर नहीं होगा क्योंकि ये बहुत बड़ा टारगेट था पाकिस्तानी टीम के लिए। लेकिन जो सबसे बड़ा रिकॉर्ड पाकिस्तानी टीम ने कायम किया, पाकिस्तान का एक भी खिलाड़ी आउट नहीं हुआ था और पाकिस्तान ने ये टारगेट अचीव कर लिया पिछले साल की तरह। जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान और इंडिया का मैच था जिसमें पाकिस्तान ने एक भी विकेट नहीं पाकिस्तान की गिरी थी और पाकिस्तान ने वो टारगेट अचीव किया था, जो कि इंडिया के लिए कोई छोटी बात नहीं थी। इंडिया परेशान हो गया कि पाकिस्तान का हमने एक खिलाड़ी भी आउट नहीं किया और पाकिस्तान ने ये टारगेट अचीव कर लिया। इसी तरह ही इसी साल में भी पाकिस्तानी टीम ने बहुत उम्दा खेला। बाबर आजम ने दिखाया कि मैं बहुत बड़ा बैट्समैन हूँ, मोहम्मद रिजवान ने बताया कि मैं बहुत बड़ा बैट्समैन हूँ। इन दोनों की बैटिंग ने पाकिस्तान को इतना उम्दा इतना बुलंदियों पर ले गया है कि मैं आपको बता नहीं सकता। ये इनकी दोनों की पार्टनरशिप 203 रन की है, जो कि पहली पार्टनरशिप का रिकॉर्ड अफगानिस्तान के पास है जो कि 236 रन का है आयरलैंड के खिलाफ, और दूसरा रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया का है 223 रन की पार्टनरशिप जिम्बाब्वे के खिलाफ, और तीसरा स्कॉटलैंड का था जो कि 200 रन का था नदरलैंड के खिलाफ। लेकिन पाकिस्तान का चौथा रिकॉर्ड ऑलरेडी मौजूद था, पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 197 रन का टारगेट किया था। लेकिन यहां पर पाकिस्तान ने अभी अपना रिकॉर्ड खुद ही तोड़ दिया और स्कॉटलैंड का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पाकिस्तान ने 203 रन किए हैं, ठीक है, इंग्लैंड के खिलाफ। इंग्लैंड कोई छोटी टीम नहीं थी, इंग्लैंड बहुत बड़ी टीम थी। इंग्लैंड का ये टारगेट कायम करना पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बात थी, लेकिन पाकिस्तानी प्लेयरों ने ये करके दिखाया। इसका सारा क्रेडिट बाबर आजम कप्तान को जाता है, और बाबर आजम ने एक और रिकॉर्ड इधर कायम किया है अपनी कप्तानी में, जो कि उन्होंने T20 की दूसरी सेंचुरी की है। ये पहले कोई कप्तान ऐसा नहीं था जिसने दो सेंचुरियां T20 में क्यों की हो, लेकिन बाबर आजम ये पहले कैप्टन है जिन्होंने अपनी कप्तानी में दो सेंचुरियां T20 में की हैं। ये बहुत बड़ा एजाज है पाकिस्तानी कौम के लिए भी, ये बहुत खुशकिस्मती है और खुशी का मुकाम है। इसी तरह ही आप हमारा चैनल देखते रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चाचा असलम यूट्यूब चैनल, यासिर अली को इजाजत दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।